Hi everyone, welcome to your technical analysis world. We are back with the 526 talks for next week. We have picked for you only, and the purpose is very clear, only educational purpose. तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू. चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक कर ही दिया है. सबसे पहले बात आती है वीकली चार्ट पे क्या कर सकते हैं. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर, गो विथ स्टॉक स्पेसिफिक ओनली, डोंट ट्रैक कोविड डेटाज, राइट? इट कैन स्पॉल योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड योर ट्रेडिंग करियर ऑल्सो, और इवन यू डोंट नीड टू फोकस ऑन द निफ्टी, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स होते हैं आपने देख ही लिया होगा, जब निफ्टी गिरती है तब भी कहीं स्टॉक्स बढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए. वी हैव गॉट 5 to 6 स्टॉक्स. सो द फर्स्ट स्टॉक इज नेस्ले, आपको यहाँ पे दिखेगा. नेस्ले में आप देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और वो यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है. ब्रेक होने के बाद इंटरेस्ट के अंदर रिएक्शन. ये जो हाई है वो नेक्स्ट वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज 17865.95, एंड स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ दिस रेड कैंडल. इट्स अ रिएक्शन, ओके? सो ट्रैप होने से बचना है तो गो विथ ओनली रिएक्शन, और यू कैन से द रिट्रेसमेंट, राइट? नेवर एंटर आफ्टर द बिग ग्रीन कैंडल इन लॉन्ग पोजिशन. और फिर आपको पता ही है ये हाई, एंड दिस ट्रेड विल बी वैलिडेट फॉर ओनली, एंड दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज. यू कैन डू द पेपर ट्रेडिंग and never go without risk management, right? Even in paper trading. So, you can enter above this high, okay? यहाँ पे आपको enter होना है, stop loss will be the low of this reaction candle, and it is 16775. ये high cross होने के बाद ये low stop, और फिर आप stop loss revise कर सकते हैं with the low of weekly candle. यानी next week के लिए ये low, फिर next week की candle खत्म होने पे आपका stop loss हो जाएगा the low of next week. Right friends, so next week के लिए Nestle. फिर बात आती है भारतीय एयरटेल की, जहाँ पे हमने डेटा भी लिख दिया है प्राइस एंटर होने का पेपर ट्रेडिंग के लिए. यहाँ पे भारतीय एयरटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है. इट हैज़ ब्रोकन द ट्रेंड लाइन, एंड आफ्टर दैट गेट वन मोर क्लू ऑन बुलिश साइड. द रिएक्शन कैंडल इज ग्रीन, इट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो यहाँ पे हमें एक वन मोर क्लू मिल रहा है जो हमें बता रहा है कि इट हैज़ टेकन द रिएक्शन, बट सेलर्स वर नॉट अग्रेसिव देन बायर, क्योंकि रिएक्शन तो लिया, बट यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन कैंडल जो है वो भी ग्रीन है, और आपको एक लोअर शेडो लंबा दिखेगा, और इवन यू कैन सी लोअर शेडो जो है वो टच हुआ है ट्रेंड लाइन को ही, यानी सपोर्ट हैज बीन कन्फर्म. सो नेक्स्ट वीक के लिए दिस आई 549.75, एंड द लो ऑफ दिस रिएक्शन कैंडल जो थोड़ा दूर है. एक्चुअली बहुत दिक्कतें आ रही है मुझे ट्रेडिंग व्यू में 2-3 हफ्तों से टाइप कर देना. मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और टाइप यहाँ पे होता है. ये देखिए ट्रेंड लाइन भी अपने आप आ चुकी है, तो वो एक्चुअली अपडेट कर रहे हैं, ओके? सो 546.15 जो है वो इसका स्टॉप लॉस है. ये हाई क्रॉस होने पे आप इसको ट्रैक जरूर कीजिएगा. फिर बात आती है बेल की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो बहुत लंबी एक डोजी जैसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश है, क्योंकि लोअर शेडो लंबा है कंपेयर टू अपर शेडो, और आप देख सकते हो इट डिड नॉट गिव क्लोज बिलो द ट्रेंड लाइन, सो इट्स आल्सो अ बुलिश साइन. सो ये है 134.95 के ऊपर यू कैन ट्रैक बिल. फिर सन टीवी भी है, सन टीवी अबो 497, 450 स्टॉप लॉस देख सकते हैं. ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे रिएक्शन में ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं गया है, वो अच्छी साइन है, और ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको लोअर शैडो लंबे दिखेंगे. सो नेक्स्ट वीक के लिए सन टीवी 497, स्टॉप लॉस 450. आईपीएल भी देखिएगा और इसको भी ट्रैक कीजिएगा. यहाँ पे देखिए मेरा जो फिगर है वो थोड़ा नीचे है, पर मैं बोल देता हूँ आपको पता चल जाएगा. ग्रैन्यूल्स में भी आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है. ये जो हाई है एक्शन का है और रिएक्शन का है. एक्शन का हाई जो है वो हायर है देन रिएक्शन, सो 344 के ऊपर ध्यान रखिएगा, और ये जो लो है वो बनता है स्टॉप लॉस 312.40. लास्ट बट ब्लास्ट, क्योंकि लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुन सुन के मैं थक चुका हूँ, तो नया कुछ बना देते हैं. लास्ट बट ब्लास्ट तो वो है इन्फो एज, तो जरूर ट्रैक कीजिएगा.
बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टॉक्स ने लो बनाया पर ट्रेंड लाइन को टच किया, तो इट्स अ बुलिश साइन। और आप देख सकते हो नौकरी, ओके नौकरी की बात मिले या ना मिले वो अलग बात है, पर देख लेते हैं नौकरी इन्फोएज। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, रिएक्शन ले चुका है, देयर इज अ ग्रीन कैंडल इन रिएक्शन एंड आप देख सकते हो बुरी सी बुलिश अभी पूरा दिख रहा है। सो 4920 पे ध्यान रखिएगा, 4372 स्टॉप लॉस है। कई लोग एक्सक्यूजेस ला देते हैं सामने और आपको पता ही है एक्सक्यूजेस साउंड्स गुड, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो यू कैन मैनेज विद द रिस्क मैनेजमेंट ट्रिक, जो वीडियो हमारी चैनल पे ऑलरेडी है, राइट। सो वहाँ पे हमने बताया है हाउ टू मैनेज योर रिस्क, हाउ टू फिक्स योर लॉस। सो लॉस पर ट्रेड जो है वो फिक्स कर दीजिएगा, तो स्टॉप लॉस बड़े ही बड़ा हो आपका लॉस फिक्स हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो इतने स्टॉक्स है नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है देख लेते हैं। निफ्टी में वीकली पे आप देख सकते हो बुलिश कैंडल बना है, पर ओवरऑल तो साइडवे जैसा अभी फिलहाल दिख रहा है, पर नेक्स्ट वीक के लिए ये जो कैंडल है लास्ट वीक का वो ऐसा बोल रहा है कि लोअर साइडों से रिकवरी है। बैंक निफ्टी जो ठीक है, कुछ उतना खास बताने लायक अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक आप जा सकते हो, इतने स्टॉक जरूर ध्यान रखेंगे। स्पेशली नेस्ले को छोड़ के सभी स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। नेस्ले भी अच्छा ही है, पर नेस्ले में एक दिक्कत यह है कि ब्रेकआउट यहाँ पे आया था, उसके बाद वन मोर ग्रीन कैंडल इज देयर, उसके बाद इट हैज टेकन द रिएक्शन। सो एडवाइजेबल, इट वॉज एडवाइजेबल, कौन क्या एडवाइजेबल था, रिएक्शन वॉज एडवाइजेबल आफ्टर द ब्रेकआउट बट इट डिड नॉट ब्रेक। सो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद वी वर लुकिंग फॉर द रिएक्शन बट थोड़ा लेट आया आफ्टर वन मोर ग्रीन कैंडल के बाद, बट बाकी के जो स्टॉक्स है भारती बेयर वो सब बहुत परफेक्ट अभी फिलहाल दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो आज इतना ही और एंजॉय IPL और फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको पता ही है मैं क्यों बोल रहा हूँ, राइट, एंड फॉलो द स्टॉप लॉस।